भूल कर भी मत मिस करना इस टॉपिक को अगर चाहते हो नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर करना और एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ एंटी पार्टम हैमरेज की, जिससे हर बार प्री और मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आते हैं प्लेसेंटा प्रीविया और एपरप्शन जैसे टॉपिक्स। आज है डे 6 हमारी 30 डेज नॉर्सेट सीरीज का। हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति शरावत। आई हैव सिक्योर्ड रैंक 32 इन नॉर्सेट 2। तो मॉर्निंग वाली शॉर्ट वीडियो में हमने डाल दिया था क्वेश्चंस प्री और मेंस से रिलेटेड। इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करें, उससे पहले हम एंटीपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शन के बारे में थोड़ा समझेंगे ताकि आपको आंसर्स देने में आसानी हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को टर्न ऑन कीजिए। एंटीपार्टम हेमरेज होता है 20 हफ्ते से लेके डिलीवरी के पहले तक के जो टाइम पीरियड में अगर कभी ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी के, तो उसको एंटीपार्टम हैमरेज बोलते हैं। अगर 20 हफ्ते से पहले कोई ब्लीडिंग होती है तो उसको मोस्टली हम अबॉर्शन में कंसीडर करते हैं। तो अब देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। प्लेसेंटा प्रीविया होता है जब लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस है उसका अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट में अगर प्लेसेंटा इम्प्लांट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है प्लेसेंटा का, वो होता है अपर सेगमेंट में यूट्रस के पोस्टीरियर वॉल पे, लेकिन एबनॉर्मली लोअर सेगमेंट में भी प्लेसेंटा इम्प्लांट हो जाता है। ये तीन तरीके के होते हैं, टोटल जिसको बोलते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, जो ओस को, जो सर्विक्स होता है उसके ओस पे नीचे की साइड पूरा उसको कंप्लीट कवर कर लेगा, ठीक है। दूसरा है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, जो इंटरनल सर्वाइकल ओस होता है उस जो लोअर बॉर्डर होता है प्लेसेंटा का, वो 3 सेंटीमीटर तक, उसका जो लोअर पोर्शन होता है वो 3 सेंटीमीटर तक इंटरनल ओस में आया होता है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल। अब बोलते हैं मार्जिनल, मार्जिनल का दूसरा नाम होता है लो लाइंग, ठीक। इसमें प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में तो होता है लेकिन ओस के अंदर नहीं होता, ओस से 3 सेंटीमीटर दूर होता है उसका लोअर बॉर्डर प्लेसेंटा का, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल। तो ये थे हमारे तीन तरीके के प्लेसेंटा प्रीविया। हम समझते हैं एब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है। 20 हफ्ते के बाद से लेकर डिलीवरी के पहले तक अगर कभी भी प्लेसेंटा अपनी जगह छोड़ देता है, ठीक है, प्लेसेंटा हटने लग जाता है यूटरस से, तो उस केस को हम बोलते हैं एब्रप्शियो प्लेसेंटा। ये भी दो तरीके का होता है, कंसील्ड और रिवील्ड। कंसील्ड मतलब छुपी हुई ब्लीडिंग और रिवील्ड मतलब जिसमें दिख रही है ब्लीडिंग। कंसील्ड में क्या होता है, जैसे प्लेसेंटा, ये हमारा यूटरस का वॉल है, प्लेसेंटा इस पे ऐसे चिपका हुआ है, बीच से थोड़ा सा हट गया, ठीक है, पार्शियली हट गया, लेकिन ब्लीडिंग नीचे से आनी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, सेंट्रल सेंटर से हट जाएगा। और होता है कंप्लीट, जिसमें पूरा हट गया लेकिन साइड साइड के पोर्शन चिपके हुए हैं, तो वहाँ पे अभी तक ब्लीडिंग अंदर ही है जो अभी वजाइना से बाहर नहीं आई है। फिर होता है हमारा एक रिवील्ड, जिसमें मार्जिनल जो मार्जिन्स होते हैं वहाँ से छूट गया है प्लेसेंटा और वो ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो गई है, जिससे हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम दोनों के साथ साथ साइंस एंड सिम्टम्स देख लेंगे ताकि आप दो एक दोनों के साथ कोरिलेट करके चल सको। इधर प्लेसेंटा प्रीविया देखते हैं, इधर एब्रप्शियो प्लेसेंटा देखते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया में होती है हमारी पेनलेस ब्लीडिंग, एब्रप्शियो प्लेसेंटा में हमेशा पेनफुल ब्लीडिंग होगी, वो भी सीवियर। इसमें होती है ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग प्लेसेंटा प्रीविया में, इसमें होती है डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग क्योंकि वो कंसील्ड होता है और इसमें तुरंत तुरंत की ब्लीडिंग हुई होती है, ठीक है। फिर इसमें जो यूट्रस है वो हमारा सॉफ्ट होता है, बल्कि नहीं होता है, टेंडर नहीं होता प्लेसेंटा प्रीविया में, वो सॉफ्ट होता है, उसको पेन नहीं होता, लेकिन एब्रप्शियो प्लेसेंटा में बहुत टेंडर, रिजिड और टाइट पेनफुल एब्डोमेन हो जाता है और यूट्रस हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये है हमारे साइन एंड सिम्टम्स कुछ प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा के। आई होप ये आप कोरिलेट करके हमेशा इनको याद रखो और कन्फ्यूज ना हो। इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस आते हैं कि पेनलेस ब्लीडिंग, डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग, ब्राइट कलर की ब्लीडिंग, पेनफुल ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये ही साइंस एंड सिम्टम्स से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसके अपने डाउट्स हमेशा क्लियर करके रखने हैं। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, कि क्या होगा प्लेसेंटा प्रीविया में। ए प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, गलत, ये एब्रप्शन का केस है। बी प्लेसेंटा कवर्स द सर्वाइकल और पार्शियली और कंप्लीटली, तो ये करेक्ट आंसर है क्योंकि जो सर्वाइकल ओस है उसको कवर कर लेता है प्लेसेंटा, उसी को प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। सी एबनॉर्मल प्लेसेंटा ग्रोथ इनटू द यूट्राइन मसल, ये नहीं है। डी इन्फेक्शन ऑफ द प्लेसेंटा टिश्यू, ये भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा। एब्रप्शियो प्लेसेंटा, एब्रप्शन के बारे में पूछना चाह रहा है सिम्टम। ए पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग, पेनलेस किस में होती है, प्लेसेंटा प्रीविया में, गलत ऑप्शन। बी पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग विद एब्डोमिनल पेन, तो बी आंसर करेक्ट है क्योंकि हमेशा एब्रप्शन में पेनफुल ब्लीडिंग होती है। सी एलिवेट ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लड प्रेशर गिरेगा। डी सडन गश ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ये डिलीवरी के टाइम पे होता है,
तो ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, कौन सा रिस्क फैक्टर है जो प्लेसेंटा प्रीविया कराता है मोस्टली? ए एडवांस मैटरनल एज, बी प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, डी लो बॉडी मास इंडेक्स, डी फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो इसके हमें दो ऑप्शन लग रहे हैं, ए और बी, लेकिन इसमें पूछा है मोस्ट कॉमन, जो एडवांस जैसे जैसे मदर की उम्र बढ़ती जाती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांस रहते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन नहीं है। जो मोस्ट कॉमन है, जैसे किसी का पहले सिजेरियन हुआ है, सिजेरियन से किसी की पहले डिलीवरी हुई है, तो वहाँ पे आके प्लेसेंटा को चिपकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो मोस्टली लोअर सेगमेंट में होते हैं, तो ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। नंबर फोर, इन एब्रप्शियो प्लेसेंटा व्हाट कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम यूट्राइन वॉल। कि प्लेसेंटा अगर यूट्रस से अलग हो गया तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? ए इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बी फीटल हाइपोक्सिया एंड डिस्ट्रेस, सी मैटरनल डिहाइड्रेशन, डी प्रोलॉन्ग लेबर। इसका करेक्ट आंसर है बी, फीटल हाइपोक्सिया एंड डिस्ट्रेस। हाइपोक्सिया मतलब पेशेंट को ऑक्सीजन कम मिलेगा और उसको डिस्ट्रेस होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा से ही तो पेशेंट को, प्लेसेंटा से ही तो बेबी को ऑक्सीजन, फूड, हर तरीके की सप्लाई होती है, वो ही डिटैच हो गया यूट्रस से तो कैसे होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म रिस्क फैक्टर फॉर एब्रप्शियो प्लेसेंटा। कि लॉन्ग टर्म क्या रिस्क फैक्टर है जो आगे लीड कर सकता है एब्रप्शियो प्लेसेंटा का? ऑप्शन नंबर ए स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बी क्रॉनिक हाइपरटेंशन, सी मल्टीपैरेटी, डी मैटरनल ओबेसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रॉनिक हाइपरटेंशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म पूछा गया है, तो बहुत जिसको बहुत टाइम से ऐसे बीपी की दिक्कत है तो वो एक रिस्क फैक्टर बन सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीपी होगा तो वो छूटने का चांसेस है कि प्लेसेंटा यूटरन वॉल से छूट जाएगा। स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एक रिस्क फैक्टर है, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटा एब्रप्शन। तो मेन डिफरेंस पूछा गया है, ए प्लेसेंटा प्रीविया इन्वॉल्व्स प्रीमैच्योर लेबर, प्लेसेंटा एब्रप्शन डज नॉट। ऐसा कुछ नहीं है। बी प्लेसेंटा प्रीविया प्रेजेंट्स एज पेनलेस ब्लीडिंग, प्लेसेंटा प्रीविया पेनलेस ब्लीडिंग, और जो एब्रप्शन है एज पेनफुल ब्लीडिंग। तो ये करेक्ट है। सी और डी भी देख लेते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया कॉज फीटल डिस्ट्रेस, प्लेसेंटा एब्रप्शन डज नॉट, दोनों फीटल डिस्ट्रेस कराते हैं। डी प्लेसेंटा प्रीविया रिक्वायर्स नो ट्रीटमेंट, प्लेसेंटा एब्रप्शन डज, दोनों को ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो ये थे कुछ हमारे प्री के क्वेश्चंस, अब हम देखेंगे मेंस के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, अ प्रेग्नेंट पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग, पेनलेस बोला गया है, एट 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, व्हाट इज योर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। तो ये प्लेसेंटा प्रीविया का केस हो गया क्योंकि पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग बोला है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ए परफॉर्म आर डिजिटल वजाइनल एग्जामिनेशन, ये बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि वो सर्वाइकल ओस को कवर कर रहा है और उसमें अगर वजाइनल एग्जामिनेशन कर दिया तो वो उसको ट्रिगर कर सकता है और ब्लीडिंग स्टार्ट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्लेसेंटा प्रीविया में, तो वो है डिजिटल एग्जामिनेशन, पीवी नहीं करना चाहिए, पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए, अल्ट्रासाउंड इसका डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो करना चाहिए पहले रूल आउट करने के लिए। तो ए तो बिल्कुल गलत है। बी इनिशिएट फीटल मॉनिटरिंग एंड असेस वाइटल साइंस, क्योंकि बच्चे को डिस्ट्रेस हो सकता है और मदर को भी ब्लीडिंग की वजह से बीपी वगैरह कम हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये करेंगे हम। सी एम्बुलेट द पेशेंट टू प्रमोट लेबर, एम्बुलेट भी नहीं कराएंगे क्योंकि और ब्लीडिंग होने के चांसेस है। डी एडमिनिस्टर एंड ऑक्सीटोसिन ट्रिप टू इंड्यूस लेबर, नहीं कराएंगे। हमारा ऑक्सीटोसिन क्या कराता है? ऑगमेंट कराता है लेबर को, अगर वो कंप्लीटली कवर कर रहा है उसको तो हम उसको नीचे से तो डिलीवरी नहीं होगी, पर वजाइनल डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि उससे क्या होगा, प्लेसेंटा छूट जाएगा और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी मदर को, तो उसमें डेथ के भी चांसेस हो जाते हैं। इसलिए इसमें हमेशा जो कंप्लीट होता है उसमें इंड्यूस ना करा के लेबर, सर्वाइकल सिजेरियन सेक्शन करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन से बच्चा निकाला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू, ड्यूरिंग अ प्रीनेटल विजिट अ पेशेंट विद नॉन रिस्क फैक्टर, कि उसको हाइपरटेंशन की भी दिक्कत हो सकती है, उसको रिस्क फैक्टर है कि उसको आगे चल के एब्रप्शन होने के चांस हो सकते हैं, या वो स्मोकिंग करती होगी, या एडवांस मेटरनल एज हो गई है, ठीक है, या उसको बीपी की शिकायत है, तो वो पूछती है कि मेरे को क्या सिम्टम्स देखते रहना है, कि क्या होगा एब्रप्शियो प्लेसेंटा में जो मेरे को देखते रहना है और मेरे को तुरंत आके हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करना अगर ऐसा होता है तो नर्स क्या बताएगी? ऑप्शन नंबर ए व्हेन टू एक्सपेक्ट रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये एब्रप्शियो प्लेसेंटा से रिलेटेड नहीं है। बी सिम्टम्स सच एज सीवियर बैक पेन एंड यूट्राइन टेंडरनेस, ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि जब एब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है तो उसमें बैक पेन, एब्डोमिनल पेन बहुत होता है और यूट्राइन टेंडरनेस, यूट्रस पे पालपेट करने पे बहुत पेन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। सी डिक्रीज इन फीटल मूवमेंट ओनली, ये भी देखेंगे बट ओनली नहीं है इसमें ऑप्शन, अगर ओनली नहीं होता तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता था। डी माइल्ड हेडेक एंड लाइट हेडेक, वो नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. अ पेशेंट विद प्लेसेंटा प्रीविया इज बीइंग डिस्चार्ज्ड होम विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन. व्हाट क्रिटिकल एजुकेशन शुड द नर्स एम्फसाइज टू द पेशेंट बिफोर हर डिस्चार्ज. कि प्लेसेंटा प्रीविया की पेशेंट है, वो घर जा रही है डिस्चार्ज होके, तो डिस्चार्ज से पहले नर्स उसको क्या इंस्ट्रक्शन देगी. ए अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड विग्रेस फिजिकल एक्टिविटी अंटिल फर्दर इवेल्युएशन. बी टेक ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन. नहीं. सी स्केड्यूल रूटीन प्रीनेटल विजिट ओनली इफ देयर आर नो सिम्टम्स. ये भी गलत है, क्योंकि स्केड्यूल उसको जो जो उसके स्केड्यूल्ड प्रीनेटल विजिट है वो उसको कराने होने हैं, अगर सिम्टम नहीं आ रहे तो भी उसको कराने हैं. ठीक है. ऑप्शन नंबर डी मेंटेन अ हाई फाइबर डाइट टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन. ये ऑप्शन, ये चीज हम वैसे बताएंगे लेकिन ये प्लेसेंटा प्रीविया से रिलेटेड नहीं है. तो इसका जो रिलेटेड ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, ब्लीडिंग बढ़ सकती है, ब्लीडिंग होने के चांसेस है, और विग्रेस एक्टिविटी नहीं करनी है, बेड रेस्ट पे रहना है पेशेंट को. तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन. अ पेशेंट विद अ नॉन मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया अराइव्स एट इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद स्पॉटिंग एंड माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन. कि पता है पेशेंट को डायग्नोज हो गया है कि उसको मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है, ठीक है, और उसको माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आती है, तो उसका नर्सिंग इमीडिएट इंटरवेंशन क्या होगा. उसको स्पॉटिंग हो रही है और थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है, उसको स्पॉटिंग हो रही है. एनकरेज ओरल हाइड्रेशन टू स्टॉप कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल गलत. बी प्लेस द पेशेंट ऑन बेड रेस्ट एंड मॉनिटर फीटल हार्ट रेट. उसको बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे, ये ऑप्शन नंबर ठीक है. ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसको बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे, एक्टिविटी जितना करेगी उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग ज़्यादा होगी और फीटल को डिस्ट्रेस होगा, तो इसलिए हम उसको वाइटल्स लगा देंगे, फीटल्स की मॉनिटरिंग करेंगे और पेशेंट को बेड रेस्ट पे रखेंगे. सी देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेट टोकोलाइटिक्स इमीडिएटली. नहीं. ऑप्शन नंबर डी है अप्लाई हीट टू द एब्डोमेन टू रिलीव डिस्कम्फर्ट, क्योंकि कोई नॉर्मल डिस्कम्फर्ट नहीं है, उसको प्लेसेंटा प्रीविया है तो इसकी वजह से उसको स्पॉटिंग हो रही है, तो ये हम नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं करेंगे, गलत है. अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. अ प्रेग्नेंट वुमन एक्सपीरियंसेस ट्रॉमेटिक इंजरी इन अ कार एक्सीडेंट एंड प्रेजेंट्स विद वजाइनल ब्लीडिंग एंड साइंस ऑफ शॉक. कुछ ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है उसके एब्डोमेन पे, ठीक है, और उसको वजाइना से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और उसको शॉक भी है, उसका बीपी फॉल हो रहा है. एब्रप्शियो प्लेसेंटा इज सस्पेक्टेड, तो हम क्या सस्पेक्ट करते हैं कि उसका प्लेसेंटा यूट्रस से छूट गया है. व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, तो नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा. एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक फॉर पेन रिलीफ, नहीं, क्योंकि ये प्रायोरिटी नहीं है. बी इनिशिएट आईवी एक्सेस टू एडमिनिस्टर फ्लूइड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स इफ नेसेसरी. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पेशेंट शॉक में, अगर पेशेंट का बीपी कम होगा तो जो बेबी है उसके पास ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, फ्लूइड देंगे और ब्लड प्रोडक्ट्स इमीडिएटली देंगे. अब है ऑप्शन नंबर सी एनकरेज द पेशेंट टू रिलैक्स एंड टेक डीप ब्रेथ्स. इससे कुछ नहीं होने वाला, हमें इमीडिएट एक्शन लेना, हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो है ऑप्शन नंबर बी. डी है फैसिलिटेट अ फुल एक्सटर्नल अल्ट्रासाउंड असेसमेंट, ये करेंगे लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है, तो हमारी प्रायोरिटी होगी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि शॉक से प्रिवेंट करना है और बच्चे को डिस्ट्रेस में जाने से प्रिवेंट करना है, तो उसकी जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए हम ऊपर से ब्लड प्रोडक्ट्स देंगे और आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 6. अपॉन असेसमेंट अ नर्स फाइंड्स दैट अ पेशेंट विद प्लेसेंटा प्रीविया इज एंग्जियस एंड आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चंस अबाउट हर हेल्थ एंड बेबी. प्लेसेंटा प्रीविया उसको डिटेक्ट कर दिया गया है, अब वो एंग्जाइटी हो गई है पेशेंट को और बार बार क्वेश्चन पूछी जा रही है, तो व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन टू एड्रेस हर कंसर्न. तो उसकी चिंता दूर करने के लिए हमें क्या बताना चाहिए. ए अवॉइड डिस्कशन अबाउट हर कंडीशन टू प्रिवेंट फर्दर एंग्जाइटी, ये हम कभी नहीं करेंगे, हम पेशेंट से कभी भी कुछ सच्चाई नहीं छुपाते हैं, जो है हम पेशेंट को क्लियर शब्दों में बताते हैं, उससे डिस्कशन एकदम से ऐसे बंद नहीं कर देना है कि हम इसके बारे में पेशेंट को नहीं बताएंगे, हम रिलेटिव से बात करते हैं, पेशेंट को क्लियर कट पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन है. बी प्रोवाइड क्लियर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड इमोशनल सपोर्ट टू रीअश्योर द पेशेंट, ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी. क्लियर और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देंगे हम उसको और इमोशनल सपोर्ट भी देंगे. ऑप्शन नंबर सी रीडायरेक्ट द कन्वर्सेशन टू नॉन रिलेटेड टॉपिक सच एज हॉबीज, ये भी नहीं करेंगे. डी एनकरेज हर टू रीड ऑल मेडिकल लिटरेचर अवेलेबल. नंबर डी भी गलत है कि हम उसको मेडिकल लिटरेचर पढ़ने को बोल देंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हम उसके एडवोकेट है उस टाइम, हम उसके टीचर हैं, हमें उसको सब कुछ बताएंगे पेशेंट को कि ये कंडीशन हुई है आपके साथ और ये कंडीशन का क्या इलाज है, इससे कैसे बचे, हम ये सब कुछ पेशेंट को अच्छे से बताएंगे कि कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके लिए आपको क्या क्या करना है, क्लियर कट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देंगे. तो ये थे हमारे कुछ मेन्स से रिलेटेड क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड. तो ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड टू एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा. आई होप मैंने ये अच्छे से क्लियर कर दिया होगा और क्वेश्चंस भी आपको समझ आ गए. अगर कोई डाउट बचा है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.
एंड स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.